पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रविवार को कचेरी स्थित आईएमए हॉल में एकता सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अंजू लोचन रही। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों को सम्मानित किया गया। साथ ही समिति के अध्यक्ष अंजित अग्रवाल ने बताया कि साल भर से जो भी प्रोग्राम किए संगठन द्वारा उन सभी संगठन के कार्यकर्ता को बुलाकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिससे सभी का मन मोह लिया। तो वहीं कार्यक्रम की संयोजिका समाज सेवी दीपाली अग्रवाल ने बताया कि हमारी संस्था गरीब लोगों की मदद करती है और हमें ये सब काम करके बहुत ही सुकून मिलता है, इसलिए आज हमने सभी संगठन को एकत्रित कर एक ही छत के नीचे सम्मानित किया। तो वहीं श्री साईं सेवा ट्रस्ट द्वारा भी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अंचित अग्रवाल, दीपाली अग्रवाल, हर्षित गुप्ता, अशोक शर्मा, निधि शर्मा, अर्पित सक्सेना, कविता, हिमांशु शर्मा आदि समिति के लोग मौजूद रहे। बहुत ज्यादा सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि आप सब ने हमें यहाँ बुलाया और सम्मान देकर सम्मानित ज्यादा होते हैं। और शायद मुझे आज ऐसा लगा कि अकेले हम ही नहीं हैं जो समाज के बारे में या लोगों के बारे में कुछ सोचते हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज इतने सारे संगठनों को साथ दे करके मुझे अजीब सा ऐसा महसूस हुआ कि इतने सारे लोग हैं जो दूसरों के बारे में चिंता करते तो हम तो बेकार ही चिंता करते कि कोई नहीं सोचता। एकता सेवा समिति ट्रस्ट मुरादाबाद की ओर से एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम वार्षिक उत्सव का आयोजन आज एकता सेवा समिति द्वारा यहां आईएमए हॉल में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष श्री नितिन गुप्ता जी, महिला मोर्चा बीजेपी से जिलाध्यक्ष श्री अंजू लोचन जी और हमारे बीच उपस्थित हैं शालिनी गुप्ता जी जो लोकल पब्लिक स्कूल से प्रधानाचार्य हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे अनुज अग्रवाल जी प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज मानपुर मुरादाबाद से। हमारे बीच विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं जो समाज के लिए बेहतर कार्य कर रही हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। मीडिया बंधुओं को सम्मानित किया गया है। हमारे बीच मंच पर उपस्थित सभी लोगों को सम्मानित किया गया और संस्था का जो उद्देश्य था उसे पूर्ण करते हुए एक वर्ष आज पूर्ण हुआ है, जिसके विषय में आज हमने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया है। इसमें उम्मीद एजुकेशनल ट्रस्ट, नई किरण वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, कीर्ति फाउंडेशन, ट्रस्ट ऑफ इंडिया, संयोग संस्था आरएसएस और इसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो कि सम्मानित हुई हैं। 15 संस्थाओं को हमने इसमें सम्मानित किया है और हमारा उद्देश्य है कि जो संस्थाएं समाज के लिए कार्य कर रही हैं उन्हें आगे भी सम्मानित किया जाए, उन्हें मोटिवेशन किया जाए कि वो समाज के लिए अच्छा कार्य करें, जिससे समाज के जो गरीब लोग हैं, जैसे स्कूल हैं, आपके आश्रम हैं या और भी विभिन्न स्थल होते हैं जहाँ पर गरीबों को सामाजिक संस्थाओं की, सामाजिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी और संस्था के रूप से भी सामाजिक सेवा का कर रहा हूँ। हमारी संस्था पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों के माध्यम से कार्य कर रही है और अब एकता सेवा समिति के द्वारा क्योंकि मुख्यालय हमारा मुरादाबाद है, इसलिए मुरादाबाद में ही प्रथम वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। हमारी एकता सेवा समिति को पूरे एक वर्ष पूरे हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये वार्षिक उत्सव रखा है। इसमें हमने मुरादाबाद की कई अच्छी संस्थाओं को जो बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं उन लोगों को बुलाया है और उनकी टीम को हम सम्मानित करेंगे। बच्चे का तो केवल एक ही डांस है, हमारी छोटी बच्ची है उसका एक केवल डांस है, बाकी हमने संस्थाओं के लोगों को बुलाया है तो उनको सम्मान करेंगे। और बाकी हमने अपनी मीडिया के जो हमारे वेल विशर्स हैं सब हैं, हमारी जो मीडिया है उनको भी बुलाया है और उनको भी हम सम्मान करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि हमें सभी अपनी मुरादाबाद की संस्थाओं को साथ लेकर